दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीवा जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 सितंबर सन 2023 दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक विश्लेषण पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन, साथ साथ देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू भी कराते हैं। दोस्तों ग्रेन्स में चाहे मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो या फिर चावल, इसके ऊपर लगातार अपडेट रहते हैं। साथ साथ पल्सेज, स्पाइसेस, कॉटन, गवार सीड एवं ग्रेन्स के ऊपर लगातार अपडेट देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले हम मक्का के ऊपर चर्चा करेंगे। मक्का के देश दुनिया के भाव और मक्का की फसलों के बारे में कुछ ताज़ा तरीन जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों यदि आपको चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक के साथ साथ फॉलो भी करें। सबसे पहले देश की राजधानी के अंदर हम आपको ले चलते हैं। वहाँ मक्की के भाव, यूपी लाइन के भाव 2060 से 2070, बिहार लाइन के 2220 से 2230 रुपए बताए जा रहे हैं। साथ साथ बाजरे के भाव भी आपको बता देते हैं कि कैटल फीड नया 2040 से 2050 और जवार पीली 2500 से 2600 रुपए के भाव है। सफ़ेद जवार में 3600 से 3700 रुपए के भाव देश की राजधानी दिल्ली में हैं। अब जान लेते हैं देश के बाकी हिस्सों में मक्का के भाव। दोस्तों अलीराजपुर के अंदर मक्का के भाव 2200 रुपए बताए जा रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र की सांगली में मक्का के भाव 2350 से 2450 रुपए के भाव हैं और शायदरी स्टार्च के भाव 2250 बताए रहे हैं और गोकाक स्टार्च के भाव 2250 रुपए बताए जा रहे हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लाइन के भाव हम आपको बता ही चुके हैं। साथ साथ दाऊद में देखें तो दाऊद में मक्का के भाव एवरेज भाव 2150 रुपए है और येलो मक्का के भाव 2150 और सफ़ेद 2375 के भाव हैं और डेंजर क्वालिटी की मक्का के भाव 1900 से 1910 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ और कुछ इलाकों के अंदर भी हम साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में कमज़ोर मानसून से मक्के की फसल और देश के अंदर कुछ गिरावट आने की संभावना बन गई है। दोस्तों आपको हमने लगातार अपडेट दिए थे कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार सूखे की स्थिति है और अगस्त के महीने के अंदर ज़बरदस्त सूखे की वजह से मक्का की बिजाई पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। साथ साथ अगस्त महीने की बारिश की कमी के कारण मक्के की फसल पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम होने की संभावना महाराष्ट्र में बनी है और महाराष्ट्र में मक्का की बुआई शानदार थी लेकिन डेढ़ महीने से बरसात नहीं होने से पैदावार घटने की संभावना बन गई है। आमतौर पर महाराष्ट्र में एक प्रति एकड़ 27 से 28 टन मक्के का उत्पादन होता है और इस बार 27 से 28 क्विंटल तो इस बार मक्के के पर एकड़ के अंदर कम उत्पादन होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र में नई खरीफ की मक्के की आवक अगले 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगी। लगभग दो हफ्ते में नए मक्के की आवक के कारण कीमतों के अंदर अभी कुछ थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो सकती है और आमद बढ़ने से कुछ फर्क भी पड़ सकता है। साथ साथ दक्षिण भारत की खरीफ की फसलें अच्छी होने के समाचार है, वहाँ से भी हाल में ही कुछ मामूली गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि मक्के की देश भर में मक्के की बुआई अच्छी हुई थी लेकिन जैसे हम लगातार अपडेट दे रहे थे अगस्त के महीने से फसलें प्रभावित हुई और लगभग जब देश के अंदर मक्के की नई आवक होगी तो उस वक्त शुरुआती दौर के अंदर मक्के के अंदर कुछ मुनाफा वसूली या आने की संभावना बन सकती है। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये भी रहेगी कि गुजरात से भी खबर निकल के आ रही है कि दाऊद पंचमहल जिले में खरीफ की मक्के की बड़ी बिजाई होती है और वहाँ भी बरसात रुकने की वजह से 15 से 20 दिनों में नए मक्के की आमद शुरू हो जाएगी। इस साल मक्के की बिजाई अच्छी हुई है लेकिन अगस्त में महीने की बरसात से गुजरात के भी मक्के की फसल को फ़र्क पड़ रहा है लेकिन अब सितंबर महीने की मक्के से कुछ फ़र्क कम हो सकता है नुकसान का। मक्के की फसल नुकसान इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि मक्के की फसल तैयार होकर खड़ी थी जब बारिश हुई तो गुजरात के अंदर अब अगले 5-7 दिन बरसात होते हैं तो मक्के की फसल को फ़र्क पड़ सकता है।
दोस्तों गुजरात में मक्के की कीमत वर्तमान में अच्छी क्वालिटी के लिए नीचे के स्तर से 2150 रुपये और के है, और साथ साथ मक्का की यदि आवक बढ़ेगी तो उस समय कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा क्या मक्के की अब खरीदारी करनी चाहिए या रुक जाना चाहिए। गौरतलब है कि हमने आपको 3 महीने पहले मक्का के निचले स्तर को देखते हुए बाइंग की सलाह दी थी और उसके बाद मक्के ने शानदार तेजी भी दर्ज हुई है। दोस्तों मक्का, गेहूं, बाजरा की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।